हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमेटिक इंडक्शन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस तो उसी को ही यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक सोलिनॉयड है यू कै सोलिनोड और बोल सकते हो इंडक्टर दैट इज़ एल कनेक्टेड टू वन बैटरी बाई यूजिंग ए स्विच ओके तो जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को क्लोज करते हैं यहाँ पर करेंट इंक्रीज होता है जीरो टू मैक्सिमम तो जैसे यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा मान लो कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग करंट इज डी आई बाय डी टी तो हमने ये देखा था कि इसके एक्रॉस में इंडक्टर के एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इंड्यूस ई एम एफ यहाँ पर होता है आपका एल डी आई बाई डी टी ठीक है एल डी आई बाय डी टी तो अभी देखो इस सर्किट में हमने क्या ड्रॉ किया है सिर्फ एक इंडक्टेंस बट खुद सोचो ये इंडक्टांस क्या ये मेटल वायर है तो अगर ये मेटल वायर है तो इसका अपना ही एक रेजिस्टेंस होगा या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग वायर कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ कंडक्टर इंडक्टर को कनेक्ट करोगे बाय यूजिंग वायर तो वायर का भी रेजिस्टेंस है और इस इंडक्टर का अपना ही एक रेजिस्टेंस है तो सर्किट ये जो सर्किट है विदाउट रेजिस्टेंस नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका इंडक्टर तो इसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस गिवेन हो तो ठीक है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो लेकिन अगर नेग्लिजिबिल भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा तो उसी के साथ हम देखेंगे कि यहां पे अगर एक रेजिस्टेंस हो इंडक्टर के साथ तो इसका इफेक्ट क्या होगा ठीक है तो उसको कहा जाता है आपका एल आर सर्किट तो हेडिंग दो एल आर एल इंडक्टेंस आर रेजिस्टेंस सर्किट एल आर सर्किट ठीक है तो अब देखो पहले हमने ये कहा कि एक इंडक्टर है तो ऑबियसली उसका रेजिस्टेंस होगा तो मान लो रेजिस्टेंस है आर दिस वन इज इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल दिस वन कनेक्टेड टू वन बैटरी यूजिंग ए स्विच ठीक है अब स्विच ओपन है तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी करंट नहीं होगा तो अब स्विच को हम क्लोज करते हैं जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे ठीक है देखो आफ्टर स्विचिंग द क्लोज आफ्टर स्विचिंग क्लोज सॉरी आफ्टर स्विच क्लोज आफ्टर स्विच क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स उसी इंस्टांट पे जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे उसी इंस्टांट पे क्या होगा देखो उसी इंस्टांट में क्या होगा करंट यहाँ से फ्लो होगा देखो ध्यान से दे सुनो टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा इंडक्टर में जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज होगा ये क्या करेगा एक इंड्यूस करेंट प्रोड्यूस करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है जीरो टू अभी जब जस्ट इंक्रीज होगा कि यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा जो कि इसको अपोज कर देगा जैसे ये इसको अपोज कर देगा सर्किट में करंट हो जाएगा जीरो तो जैसे ही हम यहां पे क्लोज करते हैं स्विच को इंस्टेंटली करंट फ्लो नहीं होगा ओके okay, इसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम चाहिए जिसके लिए कि करंट यहां पे जीरो टू मैक्सिमम होगा क्लियर इंस्टेंटली यहां पे करंट चेंज नहीं होता क्योंकि जो करंट फ्लो होगा उसको ही यहां पे इंड्यूस करंट ऑपोज करेगा तो नेट करंट हो जाएगा जीरो तो इसलिए टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो ओके तो सर्किट में करंट क्या है यहां पे जीरो तो अगर यहां पे करंट जीरो है तो मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से क्योंकि जब ये ओपन होता है सर्किट ओपन होता है तभी करंट क्या होता है जीरो सर्किट अगर ओपन है तो करंट होगा यहां पे जीरो क्लियर तो करंट अगर जीरो है उसमें भी बोल सकते हो कि जो इंडक्टर है इसके लिए यहां पे करंट जीरो है सो एट टी इज इक्वल टू जीरो आफ्टर स्विचिंग आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच दिस वन बिहेव एस्ट ओपन सर्किट क्योंकि आपका ओपन सर्किट क्योंकि करंट जीरो है तो इंडक्टर यहां पर कैसे बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट इंडक्टर behave एस ओपन सर्किट ठीक है ये कब होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पे अब देखो जैसे इसको क्लोज करोगे अभी यहां पे करंट धीरे 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 इंक्रीज होगा इंक्रीज होके क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू इंफ्यूनिटी और यू ए लॉन्ग टाइम टीवल टू ए लॉन्ग टाइम यहां पे करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट हो गया यहां पे मैक्सिमम देखो करंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट ही होगा अगर ये कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी इफ आई राइट डी आई बाई वो क्या होगा जीरो इफ़ करंट मैक्सिमम दैट इज कांस्टेंट वैल्यू देन चेंज इन करंट इज इक्वल टू जीरो है तो एल के एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा जीरो इंडक्टर के एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर वॉज वी एल वॉट यू राइट ई सॉरी एल डी आई बाई डी टी तो ये भी हो गया जीरो तो इसके एक्रॉस में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो अगर इसके एक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो टोटल पोटेंशियल सिर्फ रेजिस्टेंस के एक होगा तो टोटल पोटेंशियल जो है वी यहाँ पे क्या होगा है? इसके एक होगा ठीक है यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो अगर मैं इस बैटरी के लिए अगर यहां पे पोटेंशियल भी एज्यूम करूँ तो यहां पे होगा जीरो यहां पे होगा जीरो तो अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इस पॉइंट पे भी होगा जीरो इस पॉइंट पे हो गया वी सो अक्रॉस दी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस जीरो तो यहां पे करंट क्या होगा आई इज इक्वल टू वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर देट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन वी एल इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू मैक्सीम एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे भी बाई आर ठीक है तो इसका भी देखो कोई इफेक्ट है नहीं है तो अगर इसका इफेक्ट कोई नहीं है तो हम इसको सिंपली एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर से जॉइंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे इंडक्टर था तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है तो क्या करोगे सिंपली एक वायर को ज्वाइन कर दो तो क्या होगा इस सर्किट में करंट क्या होता है अगर पोटेंशियल भी है क्लोज करोगे स्विच को तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर करंट होगा आपका भी बाई आर ठीक है तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर इज बिहेव एज क्लोज सर्किट इंडक्टर इज बिहेव एज क्लोज सर्किट ठीक है सेम हमने देखा था कैपेसिटेंस में भी तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक कैपेसिटेंस हो अगर एक कैपेसिटेंस हो स्विच को जैसे यहां पे क्लोज करोगे एट्टी इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो पे करंट क्या होता था मैक्सिमम अगर करंट मैक्सिमम होता था तो हम इसको क्या एज्यूम करते थे क्लोज सर्किट सिमिलरली एट्टीवल टू इंफिनिटी पे करंट होता था जीरो तो हम उसे एज्यूम करते थे ओपन सर्किट ओके तो इंडक्टर में सिंपली होता है आपका रिवर्स एट्टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटेंस होता था आपका क्लोज सर्किट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो होता था आपका ओपन सर्किट लेकिन इंडक्टर में क्या होगा एट I इज टी इज करंट होगा जीरो देन इंडक्टर बिहेव एज एन ओपन सर्किट एंड एट T इज इक्वल टू करंट इज मैक्सिमम दैट इज V by R देन इंडक्टर इज बिहेव एज क्लोज सर्किट ओके नोट डाउन अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू जीरो इंडक्टर हो गया ओपन सर्किट एट टी इज इक्वल टू इंट्रिटी इंडक्टर होगा क्लोज सर्किट चलो एक एग्जांपल देखो अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे दिस वन इज बैटरी हैविंग ई ई दिस वन कनेक्टेड टू वन रेजिस्टेंस आर देन यहाँ पे रजिस्टेंस ले लो आर एगेन रजिस्टेंस आर दिस वन कनेक्टेड टू वन इंडक्टर हैविंग इंडक्टन्स एल अब इसको क्लोज कर दो ठीक है सो जस्ट ए मिनट यहाँ पे लो एक स्विच स्विच एस अब मान लो कि यहां पे करंट है आई वन यहां पर करेंट है आई टू यहां पर करंट है आई थ्री क्वेश्चन में कि मैंने है करंट आई वन आई टू आई थ्री तो क्वेश्चन ये है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड आउट करेंट आई वन देन आई टू एंड देन आई थ्री आई वन आई टू एंड आई थ्री आई वन आई टू एंड आई थ्री एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू इंफिनिटी ओके टी इक्वल टू जीरो पर और टी इक्वल टू इंफिनिटी पर हमें चाहिए यहाँ पे करेंट आई वन आई टू एंड आई थ्री तो चलो स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए उसके बाद देखो सोल्यूशन तो अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन एट टी इज इक्वल टू जीरो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट टी इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्ल टू जीरो पर इंडटर कैसे बिहेव करेगा इंडेटर होगा आपका ओपन सर्किट एट टी इज इक्वल टू जीरो अब ये होगा आपका ओपन सर्किट ये ओपन बिहेव करेगा तो अगर ये ओपन है तो क्या यहाँ से करेंट फ्लो हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है तो आई टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो सो केस वन एट टी इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो पे करंट हो गया यहां पे आई टू इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट आई टू इज इक्वल टू जीरो तो अगर यहां पे करंट आई टू इक्वल टू जीरो है तो जो भी करंट बैटरी से फ्लो होगा वो क्या सिर्फ ऐसे ही फ्लो होगा यहां से गया ऐसे यहां से ऐसे तो क्या आई वन और आई टू दोनों सेम होंगे सॉरी आई वन एंड आई थ्री दोनों सेम होंगे आई वन इज इक्वल टू आई थ्री ठीक है तो अब यहां पे देखो अप्लाई करो कि चॉप्स वोल्टेज लॉ अब इस पॉइंट से स्टार्ट करो ये गया आपका ई एम एफ तो ये माइनस ये प्लस ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल ये हो गया हाई पोटेंशियल तो ये, 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 ये हो गया लो पोटेंशियल तो अब क्लोज लूप माइनस टू प्लस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है प्लस ई देन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या लिखोगे आई वन इन आर माइनस आई वन इंटू आर देन अगेन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस आई थ्री आई थ्री भी क्या है आई वन है इन टू आर इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको ई इज इक्वल टू आई वन आई वन आर प्लस आर टू आर सो आई वन इज इक्वल टू ई बाय टू आर ओके okay, और सिंपली बोल सकते हो कि यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा देखो यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सिंपली आप इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो तो यहाँ पे इक्विब रिजिस्टेंस प्लस आर टू आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टू आर ई एम एफ हो गया ई तो टोटल करंट होगा ई बाई टू आर सिंपली वन लाइन आई इज इक्वल टू ई टू आर इज योर आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू ई बाय टू आर ठीक है तो एट टी इक्वल टू जीरो आई टू हो गया जीरो आई वन आई थ्री दोनों ई e बाय केस टू आर इंफिनिटी एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी तो टाइम है अभी यहां पर इंफिनिटी तो अब ये जो इंडक्टर था वो बिहेव करेगा एज ए क्लोज सर्किट ठीक है तो ये बिहेव करेगा ऐसे क्लोज सर्किट तो इसको दोबारा देखो अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर ये रेजिस्टेंस आर दोनों पैरेलल हैं तो आर आर हो जाएगा आर बाई टू देखो तो आर और आर पैरेलल आर बाई टू फिर आर बाई टू आर के साथ है सीरीज आर बाई टू आर बाई टू, टू पैरेलल सॉरी आर आर पैरेलल आर बाई टू आर हो गया सीरीज विथ आर तो हो गया आपका आर प्लस आर बाई टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर बाई टू थ्री आर बाई टू ठीक है टोटल ये क्या है ई e है तो टोटल करेंट तो टोटल करंट आपका क्या है आई वन तो आई वन को क्या लिखोगे ई बाय आर इक्विवेलेंट, दट इज ई 3R थ्री आर बाई टू दट इज टू ई थ्री आर क्लियर ये हो गया आपका आई वन टू ई थ्री आर तो अब देखो ये जो आई वन है क्या I1 वन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है आई टू एंड आई थ्री आई वन डिवाइड इन टू पार्ट आई टू एंड आई थ्री तो अब देखो यहाँ से रजिस्टेंस आर है अब यहाँ से भी रजिस्टेंस आर है तो ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों में क्या होगा पोटेंशियल सेम होगा रजिस्टेंस सेम पोटेंशियल सेम तो क्या सेम होगा करेंट क्योंकि पोटेंशियल क्या लिखते हो अक्रॉस द रजिस्टेंस पोटेंशियल होता है आई इन आर आई आर सो दोनों में रजिस्टेंस सेम है पैरेलल है तो पोटेंशियल भी सेम होगा तो क्या होगा यहाँ पे करंट भी सेम होगा तो आई वन होगा इज इक्वल टू सॉरी आई टू और आई थ्री दोनों सेम होंगे सो आई टू इज इक्वल टू आई थ्री दोनों सेम है और टोटल क्या है आपका आई वन तो यहाँ पे हाफ होगा यहाँ पे हाफ होगा दैट इज आई वन बाई टू तो आई वन हो गया टू ई बाई थ्री आर तो आई वन बाई टू होगा यहाँ पे ई बाई थ्री आर ये हो गया करंट आई टू एंड आई थ्री डाउन रेड द क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इन दर्किट सोन एस वन रिमेन्स क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम ये सर्किट है ठीक है सर्किट गिबेन है तो फर्स्ट गिबेन है एस वन रिमेन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड एस टू रिमेन्स ओपन नाउ एस टू इज क्लोज एंड एस वन इज ओपन फाइंड आउट डी आई बाई टी जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट तो इनिशियल है क्या इनसली जो एस वन है वो क्लोज है एंड एस टू ओपन है सो एस वन इज़ क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम और एस टू यहाँ पर ओपन है तो अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर क्लोज है तो लॉन्ग टाइम यहाँ पर जो करेंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर करंट आई सुबह मान लो करंट आई तो करंट फ्लो होगा ऐसे तो अगर यहाँ पर विभिन है कि आपका एस वन अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज है तो यहाँ पर जो करेंट होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करेंट इन इंडक्टर इज कॉन्स्टेंट तो अगर यहाँ पर करंट कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो यहाँ पर करंट आई इजिकल टू क्या लिखोगे आई इजिकल टू देखो यहाँ पर पोटेंशियल है ई e, यहाँ पर तो करेंट जा नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो सिर्फ रजिस्टेंस एक है यहाँ पर तो कुछ रजिस्टेंस है नहीं तो ई बाई आर करेंट हो गया यहाँ पर ई e बाई आर तो अब इंडक्टर में करंट है आपका I इज इक्वल टू ई बाई आर तो अब क्या करोगे कि S1 को करोगे ओपन और S2 को करोगे क्लोज S1 हो गया ओपन S2 हो गया क्लोज देखो हमें चाहिए डी वाई डी आई बाई डी टी जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट मीन्स जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे उस टाइम पे यहाँ पे आपका डी आई बाई डी टी क्या होगा तो अब देखो यहाँ पे करंट है आई तो हमने कहा था कि इंडक्टर में जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होता अगर इनिशियली इसमें करंट जीरो है तो उसी इंस्टांट में जैसे आप क्लोज करोगे स्विच को करंट होगा जीरो अभी करंट है आई तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे आई यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि ये करंट सडनली चेंज नहीं करता है क्योंकि यहाँ जो चेंज होगा उसके लिए क्या होगा यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा जो कि उसको कैंसिल आउट करेगा इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडक्टर में हमेशा करंट सडनली चेंज नहीं होता ठीक है तो यहाँ पे करंट सडनली चेंज नहीं होगा तो हो circuit, ये हो गया आपका क्लोज सर्किट अगर ये क्लोज सर्किट है तो ये जो करंट है आई वो अभी इस तरीके से फ्लो होगा तो टू आर में भी करेंट होगा यहाँ पर आई तो अब देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं किच वोल्टेज लॉ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलो साइन दे दो हो गया आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है हाई पोटेंशियल प्लस लो पोटेंशियल माइनस अब यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस फोर ई देन अगेन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस कितना होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस में आई आर तो करंट हो गया आई रेजिस्टेंस हो गया टू आर देन अगेन प्लस माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस तो यहाँ पे क्या होगा एक्रॉस द इंडक्टर पोटेंशियल इज एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी इसको लिखाओ इधर तो ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस ऑफ फोर ई माइनस ऑफ आई इन टू आर ठीक है तो आई इन प्लेस ऑफ आई हम क्या लिख सकते हैं ई बाई आर तो इसको लिखो यहाँ पे E बाई आर इंटू टू आर ठीक है तो R R हो गया कैंसिल देन माइनस फोर ई माइनस टू ई तो E हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ सिक्स ई ठीक है तो ये आपका माइनस ऑफ सिक्स ई तो हमें चाहिए डी आई बाई डी टी तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स ई डिवाइडेड बाई एल ये हो गया आपका आंसर नोट डाउन